हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सनक फिल्म का एक नया गाना आया है, ओ यारा दिल लगाना। आज हम मिलके उसे देखेंगे पहले। और ओ यारा दिल लगाना सनक, विद्युत जमाल, रुक्मिनी एंड सिंगर्स आर स्टीवन बीन, दीक्षा तूर। गाना चिरंतन जी और नदीम श्रवण जी का कंपोज है और गाना गाया है स्टीवन बीन और दीक्षा तूर ने मिलकर। तो पहले गाना देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो और भी वीडियो है, चेकआउट कीजिए। नया चैनल है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो अच्छा चलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है, महबूब से मोहब्बत का इजहार करना मुश्किल है। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। देखा है अक्सर आशिकी तो करती है पागल, सासों में सास बन के कर देती है दिल को घायल। नींद की मेरा चैन मैं और जान मान लेती है उलझन, बन कर दिल दोस्त इश्क का बन जाता है खुद का दुश्मन। कोई कहता इश्क है आप, कोई कहता इश्क है जन्नत, कोई कहना शायद बुरा है, कोई एतबार करना मुश्किल है, जान सार करना मुश्किल है, महबूब से मोहब्बत का इजहार करना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। ऐसा है कि विद्युत जामवाल जी को ना सिर्फ मारपीट करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे वैसे हर किसी ने ऐसा नहीं कहा है, पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे इन दोनों का ही डांस थोड़ा ठंडा ठंडा सा है। पर रुक्मिणी जो कि टॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, वो बहुत अच्छी लग रही हैं। मतलब उन्होंने वहाँ से यहाँ पर आकर जो एक पॉजिटिव चेंज है वो उनमें बहुत अच्छा दिख रहा है। मतलब आउटफिट्स उन्होंने बहुत फैंटास्टिक उनके हैं। उन्होंने मतलब जो सेट के साथ जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा बैकवर्ड, बहुत एक्स्ट्रा फॉरवर्ड ऐसा कुछ नहीं डाला है, बहुत ही ज़रूरत सी चीज़ें डाली हैं। मतलब आगे जाके क्या होगा ये तो बात की बातें हैं, बट अभी उन्होंने परफेक्ट अपनी आउटफिट्स रखी हैं जो उनके साथ बहुत अच्छी जा रही है। शी इज लुकिंग फैंटास्टिक एंड मतलब बहुत ही क्लासी वीडियो है और वो बहुत ही क्लासिक लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से वो बॉलीवुड में ही है, जबकि उनके उनके और विद्युत जामवाल दोनों के ही डांस मूव थोड़े हल्के थे। ऐसा लग रहा है जैसे डांस नहीं कर रहे हैं अभी, बस उनका एक नंबर पीटी चल रहा है। डांस में कुछ खास नहीं है, लेकिन गाना बहुत अच्छा है। पहले बहुत अच्छा है गाने के स्टार्टिंग के पहले जो फीमेल वॉइस थी वो लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं, और स्टीवन बीन तो अभी तो जादुई जैसे छाए हुए हैं। अरे आजकल जो सिंगर आ रहे हैं ना, सबके गाने में आपको ऐसा लगेगा सारे ही स्पेशल है। कोई आजकल और खराब गाना नहीं डाल रहा। मतलब हर किसी के गाने से एक मैजिक सा निकल रहा है, ऐसा लगता है। स्टीवन बीन की वॉइस के साथ आतिफ असलम की वॉइस की थोड़ी थोड़ी मैचिंग सी आती है और वो भी बहुत मैजिक क्रिएट करता है। एंड गाना को आप दो चार बार सुनिएगा तो इसके साथ एडिक्टेड हो जाएगा।
आई थिंक। एंड गाना देखने में काफी क्यूट है, हॉटनेस तो है ही है गाना में, वो डालने का वो कोरियोग्राफर बहुत कोशिश किया है, लेकिन एक्शन के लिए परफेक्ट है विद्युत, लेकिन डांस में थोड़ा और ट्रेनिंग चाहिए उनको। तो डांस और एक्शन का कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, उन्हें सबको टाइगर श्रॉफ से सीखना चाहिए। तो एक्शन में तो नंबर वन है, लेकिन डांस में थोड़ा कमती हो गया। और एक बात मुझे कहनी थी, मतलब ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ऐसे गाने के, मतलब और कितने दिन ऐसा दिखाएंगे कि लड़के लड़कियां मार्केट में जा रही है और लड़की मार्केट में खो जाती है, लड़के को भूल जाती है, मतलब हीरोइन मार्केटिंग में इतना गुमसुम हो जाती है कि उन्हें हीरो का पता नहीं चलता। ये वीडियो मतलब हर गाने में ये होता ही होता है, चलो उधर चलो उधर, हमारे साथ ऐसा होता है क्या रियलिटी में, ऐसा होता है क्या कभी, कोई अभी कभी नहीं होता। मतलब इस चीज, इस पैटर्न को, ये जो ट्रेंड बहुत दिनों से चली आ रही है, इसे अब एंड करना चाहिए, मतलब और नहीं देखा जाता ये गाने में। क्या आप सब इससे सहमत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी, मतलब मैं तो ऐसा जरूर चाहूंगी, आई विश कि रुक्मिणी मोइत्रा को और भी बॉलीवुड में अच्छा अच्छा काम करने का मौका मिले। बट अभी जो मैंने भी ट्रेलर देखा था, आप लोगों ने मुझे ट्रेलर में नहीं देखा था, पर मैंने ट्रेलर देखा था। तो उनकी एक्टिंग भी अभी थोड़ी बहुत इतनी हुई नहीं है, मतलब स्किल ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है एक्टिंग की, बट आई विश कि वो बॉलीवुड में और भी आगे काम कर सके। लेकिन गाना के लिए एक बिग थम्स अप। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। हाँ, जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगी कि यही एक इतना ज्यादा मुश्किल काम है जो इंसान को करने में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर हर कोई करता रहता है, छुपे करो या मतलब बताकर करो या ना बताकर करो, पर दिल जरूर लग जाता है। टाटा, बाय बाय।